हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। DSSSB PRT पार्ट बी सीटेट प्राइमरी जूनियर की ये क्लास है। इसमें हम 165 तक क्वेश्चन कर चुके थे, आज हम 166 से क्वेश्चन शुरू करेंगे। आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा किस प्रकार के प्रश्न अभिसारी प्रश्न होते हैं। आपको पता होना चाहिए अभिसारी प्रश्न कौन से होते हैं। अभिसारी प्रश्न को इंग्लिश में हम बोलते हैं कन्वर्जेंट क्वेश्चन, यानी जिन प्रश्नों के उत्तर जो है एक होते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। और जिन प्रश्नों के उत्तर अनेक होते हैं उन्हें बोलते हैं डाइवर्जेंट। जैसे हमने पूछा भारत की राजधानी क्या है, आंसर क्या आया, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो एक ही आंसर इसका आएगा तो ये कैसा हो गया प्रश्न, कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, तो एकल सही उत्तर प्रश्न आपके कन्वर्जेंट, सही उत्तर वाला प्रश्न कन्वर्जेंट, दोनों एकल और निश्चित सही उत्तर वाला प्रश्न, ये दोनों ऑप्शन की बात कर रहा है बिल्कुल। कई सही जवाब वाले प्रश्न यानी जिनके उत्तर बहुत सारे हों वो डाइवर्जेंट में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम की प्रक्रिया डैश माना जा सकता है, व्यवहार में पूर्णता स्थायी परिवर्तन बिल्कुल, व्यक्तित्व में पूर्णता स्थायी परिवर्तन बिल्कुल, जीवन की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक आदतें ज्ञान तथा वृत्ति का ग्रहण करना, ये सभी क्या अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपकी तीनों कथन सही है, इसलिए आपका ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों सही हैं। 168 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व अनुमान संरचनात्मक अधिगम का आधार बनाता है। ज्ञान छात्र द्वारा सक्रिय रूप से निर्मित किया जाता है, ना कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से प्राप्त होता है। दूसरा कह रहा है, जानने के लिए आना छात्र के दुनिया के अनुभव पर आधारित तथा उसके द्वारा लगातार रूपांतरित होने वाली अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर भी आपके ये दोनों कथन सही हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस आपको नहीं दिए गए हैं, बट इसका आंसर क्या होगा, दोनों कथन सही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो 168 का राइट आंसर आपका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही आपके कथन सही हैं। अब ये पूर्व अनुमान संरचनात्मक अधिगम में होता क्या है, इसका जो आधार है वो ज्ञान जो है छात्र द्वारा सक्रिय रूप से निर्मित किया जाता है। ज्ञान क्या है, छात्र द्वारा सक्रिय रूप से निर्मित किया जाता है और छात्रों की तार्किक बुद्धि का विकास होता है। इसी प्रकार जानने के लिए आना छात्र की दुनिया के अनुभव पर आधारित तथा उसके द्वारा लगातार रूपांतरित होने वाली अनुकूलन की एक प्रक्रिया। ठीक है, पूर्व अनुमान संरचनात्मक अधिगम। नेक्स्ट, 169 नंबर क्वेश्चन, कक्षा में अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सहकारी अधिगम क्रियाकलापों तथा मॉडल का उपयोग किया जाता है। सामूहिक अन्वेषण, जिक्सा, विद्यार्थी टीम की का उपलब्धि विभाजन, तो ये तीनों ही आपकी जो है सहकारी उसकी सही है। ठीक है, सहकारी अधिगम की जो है क्रियाकलाप के मॉडल हैं उपयोग आते हैं। ठीक है, तीनों कथन आपके सही हैं, ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 170, अधिगम प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य क्या होता है। स्वाधिगम, अमीर तथा सफल होना, स्वाधिगम तथा स्वमूल्यांकन दोनों, या स्वमूल्यांकन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जब हम खुद से कुछ सीख सकते हैं और उसका मूल्यांकन करें कि क्या वो सही है या गलत है या कैसे सीखा जो भी, तो वो हमें अधिगम का अंतिम लक्ष्य होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट है। 171 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा तरीका शिक्षक कक्षा की परिस्थिति में उपयोग कर सकता है। पूछ रहा है शिक्षक जो है कक्षा की परिस्थितियों में उपयोग कर सकता है, इनमें से कौन सा तरीका। तो वस्तुओं का व्यवस्थीकरण बिल्कुल कक्षा में कर सकता है, अर्थपूर्ण स्थितियों में कार्य करना, ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। तो शिक्षक जो है कक्षा की परिस्थितियों में इन दोनों का उपयोग कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ एक मिनट,
दो ये थे। तीसरा, विभिन्न तरीकों से निरूपण, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर कथन आपका राइट होगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये सारी युक्तियाँ हैं जो टीचर जो है प्रयोग करेगा अपने क्लास में, उपयोग करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जॉन बी वॉटसन के प्रमुख व्यवहारिक नवाचारों में से एक, निम्नलिखित में से किसकी डीकंडीशनिंग के लिए एक विधि है। तो जे बी वॉटसन ने जो है व्यवहारिक नवाचारों में जो बताया था, इन्होंने प्रमुख नवाचारों में से जो डीकंडीशनिंग के लिए एक विधि बताई थी वो थी डर, ठीक है। प्यार नहीं थी, डीकंडीशनिंग के लिए डर थी, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर टू राइट होगा, केवल सेकेंड यानी डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 173, निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका एक शिक्षक को निभानी चाहिए। शिक्षक जो है क्या होता है, व्यवहार की भूमिका उसको निभानी चाहिए बिल्कुल, और प्रक्रियात्मक की भूमिका भी उसे निभानी चाहिए। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन आपका डी राइट होगा। नेक्स्ट, सीखने की रणनीतियों के समूह जो अधिक कार्य विशिष्ट है, संज्ञानात्मक, सकारात्मक रवैया, आलेखन, मेटा संज्ञानात्मक। सीखने की रणनीतियों के समूह में अधिक कार्य विशिष्ट है वो है आपका संज्ञानात्मक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संज्ञानात्मक पक्ष में आप सभी को पता है, जब बच्चा ज्ञान के साथ संबंध स्थापित करता है, उसका मूल्यांकन करना सीख जाता है, विश्लेषण, अनुप्रयोग, संबंध, इन सब का जो है सीखता है, वो क्या है, संज्ञानात्मक चीज़ें हैं, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी लग रहा बोल रही हूँ, अब स्लो स्लो बोलूँगी, ओके। 175 नंबर क्वेश्चन, प्याजे सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक विकास के चरण हैं। तो प्याजे ने एक सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसके चार चरण थे, पहला था संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और चौथा है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से अधिक वर्ष के लिए, ठीक। तो यहाँ पर तो आपको संवेदी भी दिख रहा है, परिचालन से पहले का चरण उसे बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक, ठोस को बोलते हैं मूर्त, और औपचारिक को बोलते हैं अमूर्त। तो ये चारों ही आपके क्या है, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरण हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा, जिसमें ये चारों ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सारे ऑप्शन यहाँ पर राइट है, ठीक है, सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट, 176 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अधिगम सामग्री या वास्तविक वस्तुओं या आदर्शों के रूप में है जो अवधारणाओं को बहुत स्पष्ट करती हैं। वास्तविक वस्तुओं, तो वास्तविक वस्तु हम देख रहे हैं, उसको छू नहीं रहे, वो वास्तविक, तो वास्तविक क्या होता है, जो हम हाथ में लेके टच कर सके, छू सके, है ना, वो होगा आपका। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, दृश्य सामग्री नहीं, आसपास का परिवेश नहीं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी नहीं, स्पर्श सामग्री, बिल्कुल उसे टच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है। एंड 177 नंबर क्वेश्चन, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेक्षण व्यवहार पर निर्भर अनुकूलन के बारे में सही है। शास्त्रीय अनुकूलन स्वाभाविक व्यवहार के अनुकूलन के लिए है, नहीं। संक्रिया अनुकूलन प्राप्त किए गए व्यवहार के अनुकूल है, नहीं। तो यहाँ पर ये दोनों ही कथन आपके गलत हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ना तो एक ना तो दो। नेक्स्ट, 178 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के अधिगम में समस्या को सुलझाने के लिए वस्तुओं के हेर फेर के व्यवहारिक कार्य के साथ चिंतन तथा तर्क का संयोजन होता है। चिंतन तथा तर्क का संयोजन होता है समस्या सुलझाने में। तो वो जब बच्चा करके सीखता है तब होता है, ठीक है। करके सीखने द्वारा जो अधिगम करता है बच्चा, तब उसमें चिंतन और तर्क होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी राइट है यहाँ पर। कौन सा अधिगम उपागम एक विशेष छोटा समूह है जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो, व्यक्तिगत जवाबदेही हो, समान अवसर हो, सामूहिक पारितोषिक निहित हो, उसे वो कौन सा अधिगम होगा, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। सारे ये जो पॉइंट हाईलाइट किए इम्पॉर्टेंट है, वो उसी से मैं आंसर तक पहुँचना है। ऑप्शन देखिए, सहकारी अधिगम, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम, अधिगम केंद्रित उपागम, अध्यापक केंद्रित उपागम।
तो यहाँ पर बोल रहा है विषय से छोटा समूह होगा, समान अवसर होंगे और सामूहिक पारितोषिक निहित होगा। तो शायद आपको बताया था सहकारी अधिगम में ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट है। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम प्रक्रिया की विशेषताएं हैं। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, अधिगम लक्ष्योन्मुख है, अधिगम सुविचारित है। बिल्कुल, ये तीनों ही कथन आपके अधिगम की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड। यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, मैं ऑप्शन बी मान ले रही हूँ, ठीक है। ऑप्शन बी में फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, ऑप्शन सी में केवल दो है, ऑप्शन डी में आपका सेकंड थर्ड है। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।